पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान साइक्लोन ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। समुद्री तटों पर लहरें उफान मार रही हैं, तो कई जगहों पर तूफानी हवाओं ने पेड़ों को जमीन पर ला दिया है। देखिए, ओडिशा के पारादीप में जब 106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली तो समुद्र में खड़ी नावें कैसे डोलने लग गई। ओडिशा के पारादीप, बालासोर, भद्रक, मयूरगंज और कई दूसरी जगहों पर तूफान का बुरा असर नजर आने लगा है। पेड़ों के गिरने की वजह से कई जगहों पर सड़कें ब्लॉक हो गईं। पारादीप में रेल वैगन मेंटेनेंस शेड की छत को तूफानी हवा अपने साथ उड़ा ले गई। वहीं ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दीघा के समुद्र तट की हैं, जहां ऊंची ऊंची लहरें लोगों को अभी से डरा रही हैं। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि तूफान की तीव्रता 21 मई तक बनी रह सकती है, जो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाएगी। स्थिति से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लगभग 5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। जाहिर है, जान का नुकसान तो कम से कम होगा और उसे रोका भी जा सकता है, लेकिन माल का नुकसान बड़े स्तर पर होने की आशंका है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।